आपको आज के वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप 2 साल का समय मांग सकते हैं बैंक वालों से या NBFC कंपनी से टू पे ऑफ योर लोन्स। कैसे जानेंगे आज के वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ एक बार फिर से मैं आप सबका आपके अपने चैनल सिंपलिसिटी एंड फाइनेंस में। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से बैंक से मैक्सिमम 2 ईयर्स का टाइम मांग सकते हैं फॉर पेइंग ऑफ योर इंटायर लोन। आप किस तरीके से बैंक के पूरे पैसे अगर आप रीपे करना चाहते हैं तो बैंक से आप किस तरीके से 2 साल तक का समय मांग सकते हैं। आपने भले ही कोई क्रेडिट कार्ड ले रखा हो, भले आपने किसी NBFC कंपनी से लोन ले रखा हो, चाहे फिर आपने बैंक से लोन ले रखा हो, कई बार ऐसा होता है कि पैसों की तंगी की वजह से हमारे सामने कुछ समस्याएं आती हैं और फिर हमारी EMI जो है वो डिफ़ॉल्ट होनी शुरू होती है बैक टू बैक, मंथ टू मंथ, और उसके बाद ये सारा का सारा अमाउंट एक्यूमुलेट हो जाता है। तो एक तो वो अमाउंट जिसमें इंटरेस्ट होता है, पेनल्टी लगी होती है, लेट चार्जेस होते हैं, वो अमाउंट बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। उदाहरण के लिए अगर आपकी EMI 3 महीने की है और 5 महीने अगर आपने नहीं दिया तो 15,000 रुपये तो ये है। इसके अलावा उसमें और भी चार्जेस ऐड हो गए हैं, मान लीजिए 18,000 रुपये। अब आपको इसको या तो एक साथ एकमुश्त आप 18,000 रुपये दीजिए, लेकिन आपको लगता है कि मैं वो अगर दे ही नहीं सकता और दे भी तो उसके अगले महीने से फिर वही प्रॉब्लम आने वाली है। तो ऐसी कंडीशन में आप बैंक से ये कहना चाहते हैं कि मुझे और अधिक समय चाहिए, लेकिन अगर आप बैंक से ये बात कहेंगे तो बैंक क्या आपको और अधिक समय देगा? नहीं देगा। आपने कभी बैंक से पैसे समय मांगा भी होगा तो बैंक ने आपको मना कर दिया होगा। अगर आपने उनसे ये भी कहा होगा कि भाई मुझे 2 महीने का समय दो या 10 दिन का समय दो, तो अभी आपको यही कहा गया होगा कि नहीं सर, आपको आज शाम तक पैसे जमा कराने हैं। ये लोग नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि ये लोग बदतमीज होते हैं, एरोगेंट होते हैं और नालायक होते हैं। ये कॉपरेट नहीं करना चाहते आपके साथ। क्या देना उनका अधिकार क्षेत्र में आता है? चाहे तो वो दे सकते हैं। हाँ, कुछ नियम कायदे थोड़े से अलग होंगे, लेकिन चाहे तो वो दे सकते हैं, लेकिन वो देना नहीं चाहता। एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर आपने किसी को पैसा दिया है और आप उनसे पैसे लेने वाले हो 3 महीने में, अचानक से वो आपको बोले कि भाई मुझे तो 24 महीने का टाइम दो, क्या आप उसे देना चाहेंगे? ऑब्वियसली आप नहीं देना चाहेंगे। लेकिन अगर उसके पास है ही नहीं तो आप क्या करोगे? आपको देना पड़ेगा। द सेम गोज राइट विद द बैंक्स एंड NBFC कंपनीज। तो होता क्या है कि अगर आप एक लोन का सेटलमेंट करना चाहते हैं और उसके बाद आप ये बोलना चाहते हैं कि भाई मुझे सेटलमेंट करवाना है और मुझे इसके लिए आप टाइम दीजिए 2 साल का, सेटलमेंट के मामले में चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती है। सेटलमेंट में 2 ही चीज़ें हो सकती है। एक तो होता है 1 टाइम सेटलमेंट, जहां आप एक पूरी राशि, फॉर एग्जांपल अगर आपके 1,00,000 रुपये का लोन है तो वहाँ पर आपने 30,000 रुपये में सेटलमेंट करवा लिया, 70% डिस्काउंट आपने ले लिया है। वो 30,000 रुपये जो होते हैं, ये 30,000 रुपये आपको 2 तरीके से ऑफ़र किए जाते हैं कि आप 1 टाइम सेटलमेंट करवा लीजिए OTS, जहाँ आपको एक साथ वो 30,000 रुपये देने हैं और मामला ख़त्म। लेकिन आप बोलते हैं कि भाई 30,000 रुपये तो मेरे पास अभी है नहीं, तो बोलेंगे ठीक है 15,000 रुपये की 2 किस्तें बनवा लीजिए और मैक्सिमम 3 किस्तें बनवा लीजिए 10,000 रुपये की, 30,000 रुपये। तो ये तो बात हो गई सेटलमेंट की, लेकिन सेटलमेंट होने से आपका सिविल स्कोर पूरी तरीके से ख़राब हो जाता है। सेटलमेंट होने से आपको आगे भविष्य में लोन लेने में काफ़ी परेशानी का सामना होना पड़ता है। तो सेटलमेंट एकदम अलग चीज़ है। और अगर सेटलमेंट में आप बोले भाई मुझे तो 2 साल का समय दो, तो कोई भी आपको नहीं देने वाला है। लेकिन ये वीडियो मैंने आपको बताया है ये बताने के लिए कि आप किस तरीके से 2 साल का समय ले सकते हैं। तो देखिए, एक तो तरीका ये है कि आप सेटलमेंट इमीडिएट नहीं करवाएं। अगर आप सेटलमेंट की बात करते हैं तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, सेटलमेंट आप इमीडिएट नहीं करवाएं। फॉर एग्जांपल, अगर आज आपके पास पैसा नहीं है और ये पैसा आपके पास 2 साल तक नहीं आया तो वो हर तरीके से आपको परेशान करेंगे और 2 साल बीत जाएंगे तो मिल गया आपको 2 साल का टाइम, फिर आपने सेटलमेंट करवा लिया। ये तो एक बहुत ही सामान्य तरीका है। लेकिन अगर आपने आज ही से EMI बाउंस करनी शुरू कर दी और अब आप सेटलमेंट करवाना चाहते हैं और आप उनको कहते हैं कि मैं 2 साल में सेटलमेंट करूंगा,
दे विल नॉट अलाउ इट, लेकिन आप ये 2 साल ले सकते हैं उनको पैसे नहीं देकर, 2 साल तक उनको लंबा इंतजार करवा सकते हैं। तो एक तो ये तरीका है सेटलमेंट के लिए, लेकिन जैसा मैंने बताया कि सेटलमेंट पूरी तरीके से आपके फाइनेंशियल कंडीशन को बिगाड़ देता है, भविष्य के लिए लोन नहीं मिल पाता है। तो एक दूसरा तरीका और होता है, आप बैंक NBFC कंपनी या जो भी ऐप्स वगैरह आते हैं, आप इनको बोलिए कि मैं पैसा नहीं दे पा रहा हूँ, मेरे इस लोन को आप रिस्ट्रक्चर कर दीजिए। रिस्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, जो भी अमाउंट बाकी है अब तक का वो, और जो प्रिंसिपल अमाउंट है, सपोज़ कीजिए आपने 3,000 रुपये आपको देना हर महीने, 15,000 रुपये की किस्त आपकी बाकी हो गई क्योंकि आपने 3-4 महीने से वो किस्त दे नहीं रखी है, और आपका जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो, ये सारा मिलाकर आप एक साथ जोड़ लीजिए, और जोड़ने के बाद ये जो पैसे आपने मुझे शुरू में दिए थे जो मुझे 1 साल में पे ऑफ करना था, मैं अब इसे 2 साल में पे ऑफ करना चाहता हूँ। तो वो क्या करेंगे कि सारे का सारा जितना भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसको पूरा का पूरा वो रिस्ट्रक्चर कर देंगे, और रिस्ट्रक्चर करने के बाद फिर से आपका एक नया लोन शुरू हो जाएगा, और वहाँ फिर आपको जो भी EMI बताई जाएगी वो EMI आपको देनी है फॉर नेक्स्ट 24 मंथ्स। इसके लिए आपको थोड़ा सा उनके साथ निगोशिएट करना पड़ेगा, आप बोलेंगे 24 महीने, वो बोलेंगे भाई 24 महीने तो हो नहीं सकता है, लेकिन होता है अगर आप निगोशिएट करेंगे, आप उनको पेमेंट कर ही नहीं रहे हैं तो लास्ट में उनको मालूम है कि वो कुछ नहीं कर सकते, वो आपको रिस्ट्रक्चर कर दे ही देंगे। तो अगर आप सेटलमेंट नहीं करवाना चाहते हैं, अगर आप अपने सिविल स्कोर को नहीं बिगाड़ना चाहते हैं, देन रिस्ट्रक्चरिंग इज येट अनदर वे आउट जिसको आप यूज़ में ले सकते हैं, और आप अपने सिविल स्कोर को संभाल कर रख सकते हैं। सिविल स्कोर को आप संभालें या नहीं संभालें, एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि आपको आगे लोन लेना ही नहीं है। तो सिविल अगर आपका बिगड़ गया तो भी आपको ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करना चाहिए, और अगर आपका अच्छा है तो भी आपको लोन नहीं लेना है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप सेटलमेंट करना चाहते हैं तो 2 साल का समय आपको कैसे मिल सकता है, राइट, जो कि वो नहीं देते लेकिन आप फिर भी ले सकते हैं। और दूसरा, अगर आप अपने सिविल स्कोर को नहीं बिगाड़ना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वो ही प्रोएक्टिवली आपको सेटलमेंट का ऑफर दें, रिस्ट्रक्चर कर दें, तो उसके लिए आपको उनसे बात करनी पड़ेगी और थोड़ा इंतज़ार आपको उनको भी करवाना पड़ेगा, क्योंकि तुरंत ही अगर आप बोलेंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मेरे पास बहुत सारी कॉल्स आती है और वो बोलते हैं कि सर हमने कहा उनको कि आप रिस्ट्रक्चर कर दीजिए, तैयार ही नहीं होते। नहीं होंगे तैयार भाई, कोई भी तैयार क्यों होगा, लेकिन आप उनको तैयार कर सकते हैं जब आप उनको पेमेंट करना बंद कर देंगे, तो वो समझ जाएंगे कि ये रिस्ट्रक्चर करवा कर ही मानेगा। और एक समय आता है जब वो भी थक जाते हैं, बोलते हैं ठीक है भाई हम रिस्ट्रक्चर कर देते हैं। तो लगे रहिए और जीतेंगे आप, मुझे पूरा भरोसा है। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं, मैं बता देता हूँ, बताना चाहता हूँ मैं उन लोगों को कि इस तरह के वीडियोज़ मैं बनाता रहता हूँ। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना है, और उसके बाद बेल बटन पर आपको क्लिक कर देना है, जिससे कि जब कभी भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आपके डिवाइस पर आ जाए। और अगर आप ऑलरेडी एक सब्सक्राइबर हैं, देन डोंट फॉरगेट टू लीव योर कॉमेंट। अगर आप कॉमेंट लिखते हैं तो उससे मुझे ये पता चलता है कि आपको क्या समस्या आ रही है और किस तरीके से आप मेरी मदद चाह रहे हैं, या फिर आप जिस टॉपिक पर मुझसे क्वेश्चन करते हैं उन टॉपिक्स के ऊपर फिर मैं वीडियो बनाता हूँ। दोस्तों, मेरे इस चैनल का एक ही पर्पज़ है, आपको फाइनेंशियली साउंड करना, करोड़पति अरबपति बनाना नहीं, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कैसे बनते हैं। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर कर सकता हूँ कि अगर आप कर्ज के दलदल में फंसे हुए हैं तो वहाँ से आपको कैसे निकालना है, और फिर किस तरीके से आप आगे अपनी ज़िंदगी की, फाइनेंशियल ज़िंदगी की गाड़ी चला सकते हैं, जिससे कि दोबारा से आप कभी भी कर्ज के दबाव में नहीं आए और आप अपनी ज़िंदगी को बहुत ही अच्छी तरीके से चला सके। आप कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत नहीं आएगी, और जब कभी भी आपको फंड्स की ज़रूरत होगी वो फंड्स आपके लिए रेडिली अवेलेबल रहेंगे, इतना मैं आपको एश्योर करता हूँ। मैं और भी रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाने वाला हूँ कि आप किस तरीके से अपने पर्सनल फाइनेंस को मैनेज कर सकते हैं, किस तरीके से आप को अगर इमरजेंसी फ़ंड की ज़रूरत पड़ गई तो कहाँ से वो पैसा आएगा, अगेन नो लोन एंड नो क्रेडिट कार्ड, कहाँ से वो पैसा आएगा, बच्चों को एजुकेट करने के लिए आपको किस तरीके से पैसों की व्यवस्था करनी है। भले ही आप छोटे से छोटा काम करते हैं, भले ही आपके एक छोटी सी चाय की दुकान, मेरी एडवाइस सभी लोगों के लिए है, और जल्दी मैं एक वीडियो लेकर आने वाला हूँ उन लोगों के लिए जो मुझे ये कहते हैं कि
कि मेरे पास काम नहीं है सर, मैं क्या करूँ। तो अगर आपके पास काम नहीं है तो आपको करना एक ही काम है कि या तो काम खोजना है या फिर काम को क्रिएट करना है। यू हैव टू क्रिएट अपॉर्चुनिटी, और वो अपॉर्चुनिटी कुछ भी हो सकती है। तो मेरे बहुत ही जल्दी मैं एक वीडियो लेकर आने वाला हूँ जहाँ मैं आपको ये बताऊँ कि आप कौन सा बिजनेस शुरू कर सकते हैं, कितनी बजट में कर सकते हैं और किस तरीके से आप उस बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। लेकिन ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए होगा जो किसी भी काम को छोटा नहीं समझते, क्योंकि मैं एक ऐसा ही बिजनेस आपको बताने वाला हूँ बहुत ही जल्दी। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ भी अगर आपको पूछना है तो कमेंट कीजिए। बाकी हम लगभग रोज़ मिलते रहते हैं। तो अगेन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।